यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जो चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने मुंडन करवाया है। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से दे रहे हैं, जहां पर महिला कार्यकर्ताओं ने मुंडन कराया है। कहीं ना कहीं विरोध करने का एक जरिया है, मुंडन करवा के विरोध प्रदर्शन उनकी ओर से किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के आज 4 साल पूरे हो रहे हैं, मोदी सरकार के आज 4 साल पूरे हो रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरीके से विरोध जताया जा रहा है सरकार की नीतियों का। खबरें अभी तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है चंडीगढ़ से, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से। लाइव तस्वीरें ये हैं जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस अपना विरोध जता रही है सरकार की नीतियों को लेकर। ये विरोध जताया जा रहा है, कांग्रेस के महिला कार्यकर्ताएं मुंडन करवा रही हैं और मुंडन करवा के अपना विरोध उनकी ओर से जताया जा रहा है सरकार के खिलाफ। ये लगातार प्रदर्शन उनकी ओर से किया जा रहा है, जहां एक ओर बीजेपी आज अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है, तो वहीं उनकी नाकामयाबियों को उजागर करने में कोई कसर कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती। इसी के चलते अलग अलग जगहों पर विरोध किया जा रहा है। चंडीगढ़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताएं यहां पर मुंडन करवा रही हैं। खबरें अभी तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सरकार की नीतियों के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है अमित शाह की ओर से, लेकिन कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन यहां पर लगातार देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता संजय शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय शर्मा जी, जिस तरीके से यहां पर देख सकते हैं कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है, महिला कार्यकर्ताएं मुंडन यहां पर करवा रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस के लोग जो मुंडन करा रहे हैं जी, मुझे लगता है ये अशुभ संकेत है कांग्रेस के लिए जी। मुंडन व्यक्ति तब कराता है जो घर में कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई ऐसी घटना हो जाती है जो नहीं सही जाती। इनके घर में क्या हो गया मुझे नहीं जानकारी, लेकिन कांग्रेस जो 70 साल तक इस देश के अंदर परिवारवाद की राजनीति करती रही है, वो कांग्रेस आज जी सब उन दलों को लेकर के जिनको वो दिन रात पानी पी पी के कोसना, चाहे वो विपक्ष के कितने भी नेता हों, वो सारे इकट्ठे होकर के आज केवल मात्र एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ जी। जी, ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इतनी फैल गई है, और 4 साल में जितने विकास के कार्य आदरणीय मोदी जी ने किए हैं और उनका इस देश के अंदर जिस तरह से एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, तो कांग्रेस को बचा नहीं पा रही और इस तरह के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए जी, धन्यवाद। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। की ओर से यह प्रदर्शन किया जा रहा है, 4 साल पूरे होने पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मुंडन करवाते हुए भी नजर आए। अभी आपको हमने तस्वीरें दिखाई, महिला कार्यकर्ताओं का मुंडन यहां पर देखने को मिला। कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। हाँ जी, नमस्कार। तो कांग्रेस यहां पर मुंडन करवा के विरोध जता रही है, यह कौन सा तरीका है विरोध जताने का? देखिए, अगर हम विरोध जताते हैं तो भी दिक्कत है, अगर नहीं जताते हैं तो भी दिक्कत है, तब कहते हैं कि आप विरोध क्यों नहीं करते। ये जो सरकार है, इसने जो 4 साल के अंदर हमारे ही प्रदेश की और देश की जनता को लूटा है, जिस तरीके से नोटबंदी करके जितनी पैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की जेबों में गए, जिस तरह से 2 करोड़ नौकरियां पर साल में आनी थी वो आई नहीं, इसी तरह हरियाणा के अंदर लोगों को 154 वादे करके ये सरकार सारे विफल साबित हुई, तो हम उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो ये विरोध प्रदर्शन तो चलते रहेंगे, ये तो अभी शुरू हुए हैं। 3 तारीख को क्रांति पद यात्रा पूरे हरियाणा में निकलेगी और एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाएगी और हम लोगों को जितनी जो भाजपा ने 4 साल में काम किए हैं वो सारे बताएंगे लोगों को। केवल डिंगर जी, इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता संजू शर्मा हमारे पास फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। संजू शर्मा जी, केवल डिंगरा जी का कहना है कि अभी तो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, आगे और भी ज्यादा उग्र हो जाएगा। जी संजय शर्मा जी, इजाजत है जी, लेकिन कांग्रेस ये भी तो बताए कि उन्होंने हरियाणा के इतिहास में 50 साल शासन किया, उसमें क्या प्रदेश की जनता के लिए किया जी। लोगों को तो इकट्ठा वो तब करेंगे, पहले अपने कुलवे को तो इकट्ठा कर लें जी। एक तरफ किरण चौधरी जी प्रदर्शन कर रही हैं, एक तरफ तंवर जी प्रदर्शन कर रहे हैं, हुड्डा साहब कहीं और प्रदर्शन कर रहे हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला कुछ और प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले अपने ये तो तय कर लें कि किसके नेतृत्व में वो प्रदर्शन कर रहे हैं जी। कांग्रेस के लोग केवल एक दूसरे का सिर फाड़ने में जरूर लगे रहते हैं, लेकिन लोगों की भलाई से, लोगों के विकास से, लोगों के कामों से उनको कुछ लेना देना नहीं है जी। वो केवल मात्र किस तरह से सत्ता हथियाएं, क्योंकि कांग्रेस बिना सत्ता के ऐसे तड़पती है जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। कांग्रेस के लोग सत्ता के बिना रह नहीं सकते, सत्ता के भूखे ये लोग हैं, इसलिए केवल नाटकबाजी ये कर रहे हैं। बाकी अपना ये काम है, ये करें, इनके जिम्मे ये ड्यूटी है, ये निभाएं। विपक्ष का काम होता है विरोध करना, लेकिन विरोध के लिए विरोध नहीं, कुछ बातें तो लेकर के आए जनता के बीच में जी। आज हरियाणा की सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के विकास के लिए काम कर रही है जी। हरियाणा में एक व्यवस्था परिवर्तन हरियाणा में शुरू हुआ है, एक समान विकास पूरे प्रदेश की 90 की 90 विधानसभाओं में शुरू हुआ है। ये हरियाणा सरकार की उपलब्धियों को हम जितना गिनाए उतना कम है। डिंगरा जी भी 154 वायदों की बात कर रहे थे, आप एक बहस इसी 154 वायदों के एक एक पॉइंट के ऊपर रख ले, मैं इनके साथ उसके लिए बहस करने के लिए तैयार हूँ। केवल डिंगरा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीजेपी के, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो मुंडन करवाते हुए क्यों नहीं नजर आ रहे, क्योंकि छोटे छोटे कार्यकर्ता जो है वही मुंडन यहाँ पर करवा रहे हैं, ये विरोध का किस तरीके का तरीका है? देखिए, मैं जो संजय जी जो बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 154 वादे पे डिस्कस कर लें, मैं तो खुद डिस्कस करने को तैयार हूँ जी। ये मुझे ये बता दे, इन्होंने स्वामीनाथन की रिपोर्ट में MSP का 50% इंक्रीज देने को कहा था, क्या दे दिया जी? क्या इन्होंने सारे कंट्रेक्चुअल टीचर पक्के कर दिए जो इन्होंने वायदा किया था? क्या इन्होंने पंजाब के समान वेतन मान दे दिया? क्या इन्होंने जितने वायदे किए थे 154 वायदे में सारी फेयर लिस्ट निकाले अपनी और उसको शीशे की तरह एक बार देखे कि क्या इन्होंने वो वायदे पूरे कर दिए जी? संजय शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे बीजेपी, सारे लोग सड़कों पे नहीं होते? आज सारे वर्ग सड़कों पे हैं, आंगनवाड़ी से लेके कंट्रेक्चुअल टीचर से लेके किसान से लेके और जो जितने बिजनेसमैन से लेके GST से जो मरे हुए लोग, जो नोटबंदी से त्राहित लोग, जिस तरह से सारे सड़कों के ऊपर है, तो ये लोग उसके बारे में क्यों नहीं काम करते जी? डिंगर साहब एक बार जवाब लेंगे। संजय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है कांग्रेस सरकार पर। इस सरकार ने जो वायदे किए थे अक्षर से उन वायदों को इस सरकार ने पूरा किया है 3.5 साल में और आगामी 1.5 साल में बाकी जो बची हुई बातें हैं उनको भी पूरा करेंगे। लेकिन ये जो कांग्रेस के लोग हमें उपदेश देते हैं ना, ये उपदेश देना बंद करें। 10 साल के अंदर इन्होंने हरियाणा की जनता के साथ जो कुछ किया उसको जनता आज तक भूली नहीं है। ये जो सारे प्रदर्शन आज हो रहे हैं ये कांग्रेस की उन्हीं नीतियों का परिणाम है जिसके कारण से इन्होंने जो प्रतिभावान छात्र थे या प्रतिभावान लोग थे उनके अधिकारों का हनन किया। केवल चुन चुन करके अपने लोगों को भर्ती करना, केवल नियमों को, कायदों को, कानून को ताक पे रख करके और सारी नौकरियों की भर्ती करना, ये कांग्रेस के लोगों ने 10 साल तक किया जिसका परिणाम आज भुगत रहे हैं लोग। संजय जी, जिस तरीके से उनको हमने जो वायदा किया हम उसको पूरा करेंगे। संजय शर्मा जी, जिस तरीके से आज बीजेपी अपने 4 साल का जश्न बीजेपी आज मना रही है, क्या लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं खलल बीच में डालना चाहती है इसलिए इस तरीके का विरोध किया जा रहा है? नहीं, कांग्रेस का मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आज कांग्रेस का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य है मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। हम कहते हैं कि इस देश से बेरोजगारी हटाओ, हम कहते हैं कि इस देश के अंदर से भुखमरी हटाओ, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम इस देश की जनता के जो हित है, उनके दुख दर्द है, उनको हटाना चाहते हैं, ये मोदी हटाना चाहते हैं। कितने लोग भर्ती किए आपने? आप ये तो बताएं कि पंजाब के समान वेतन मान दे दिया जो वायदा किया था, जो वायदे किए थे उसके बारे में आप चिंता मत करें। आपके हाथ ये भी मुद्दा नहीं लगने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सब कामों को पूरा करने वाली है। ये केंद्र की 4 साल की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं आज। हरियाणा में हमें 4 साल नहीं हुए, हरियाणा में हमें 3.5 साल हुए हैं।
लेकिन साढ़े तीन साल का जो शासन है और आपने जो 35 से 40 साल तक इस प्रदेश के अंदर शासन किया है, दोनों की तुलना कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि इस बात पर एक ब्लैक पेपर आप लोगों को छापना चाहिए कि आपने क्या किया 10 साल के अंदर, पिछले 10 साल के अंदर, उससे पहले भी जो आपकी सरकारें रही उसमें आपने क्या किया। केवल डिंगरा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो विरोध कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, मुंडन करवा के वहाँ पर कार्यकर्ता मुंडन करवा रहे हैं, क्या लगता है इससे कहीं ना कहीं समस्या का हल हो जाएगा, मोदी सरकार को हटाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, कांग्रेस जो है वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रही है क्योंकि सभी लोग सड़कों के ऊपर हैं जी, सभी कर्मचारी, सभी लोग बिजनेसमैन, सभी लोग त्राही त्राही है। किसान इस समय बहुत बुरी हालात में है, इतनी उनके ऊपर नुकसान हो चुका है, आज वो किसान जो है आत्महत्या के कगार पे बैठा है, तो उनके लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है वो लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए करती है जी। और तीन तारीख को क्रांति यात्रा, कांग्रेस के कुछ मुठभेड़ कार्यकर्ता के स्वाद चखे हैं, केवल वो लोग सड़कों में दिखाई दे रहे हैं, आम जनता के साथ नहीं है। हम जाएंगे क्रांति पद यात्रा के तहत, हम सारी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के हर आदमी के पास उसका दुख दर्द बांटने के लिए हम बात करने जा रहे हैं। आप देखना, पूरे 90 हल्के में हम अपना झंडा बुलंद करेंगे और लोगों को बताएंगे जिस तरह से बीजेपी ने लोगों को लूटा है। इंदिरा जी, मुझे एक सवाल का जवाब दें कि क्या किसके नेतृत्व में या 90 हल्कों में आप जा रहे हैं? आप कंवर जी के नेतृत्व में जा रहे हैं, आप किरण चौधरी के नेतृत्व में जा रहे हैं, आप हुड्डा जी के नेतृत्व में जा रहे हैं, आप रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में जा रहे हैं। डिंगरा साहब, एक बात जानना चाहेंगे आपसे, तस्वीरें हम देख रहे हैं, डिंगरा साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, तस्वीरें हम देख रहे हैं जिस तरीके से पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की भी चल रही है, प्रदर्शन करना तो सही है, मुंडन करवाना सही है, लेकिन पत्रकारों के साथ इस तरीके की जो घटनाएं देखने को मिल रही है, धक्का मुक्की मिल रही है, ये कितनी जायज मानते हैं आप? देखिए, मुझे नहीं पता कि कौन सी धक्का मुक्की हुई है, मैं तो कुछ देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं अब इनको दिखना बंद हो गया। ये शायद संजय शर्मा जी की वो आंख दिख रही होगी, मुझे तो दिखी नहीं है जी। लेकिन अगर कोई धक्का मुक्की करता है तो ये गलत बात है, ये नहीं होनी। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दे दो ढींगरा जी, किसके नेतृत्व में आप 90 विधानसभाओं में जा रहे हैं? भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पूरे। और वो तंवर जी क्या है? तंवर जी प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है? डिंगरा साहब, एक बार फिर से कहीं ना कहीं गुटबाजी का आरोप लगा रहे हैं संजय शर्मा। नहीं, डेमोक्रेसी में हर एक आदमी को अपना काम करने की इजाजत होती है, सभी लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। डिंगरा जी हुड्डा जी के नेतृत्व में कर रहे हैं, सब लोग कांग्रेसी है और भाजपा के विरोध में। तो गुटबाजी का आरोप एक बार फिर से लगाया जा रहा है कि किसके नेतृत्व में होगा, संजय शर्मा का भी कहना है। प्रवीण अत्रे इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इनेलो प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी से जानना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप इस प्रदर्शन को जो कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है? देखिए, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि आज देश और प्रदेश का नागरिक महंगाई की मार झेल रहा है, महंगाई में पिस रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, उससे किसान की खेती जो है उसकी लागत ज्यादा हो गई है। जो किसान पहले ही अपनी फसल के उचित दाम के लिए लड़ाई लड़ रहा था, धरने प्रदर्शन कर रहा था, उसके लिए खेती करना मुश्किल हो गया। लेकिन एक हैरानी होती है, मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को भी, बात करते हैं कि हम किसान की आवाज उठा रहे हैं, किसान परेशान है। इनसे एक सवाल पूछने का बनता है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जून 2006 में आ गई थी, उसके बाद लगातार 9 साल ये लोग सत्ता में रहे, किसान से झूठा वायदा किया कि रिपोर्ट लागू करेंगे, 9 साल इन्होंने किसान की सुध नहीं ली, रिपोर्ट को लागू नहीं किया। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में किसान की जमीनें लूटी गई, सीएलयू के नाम पे लूट हुई, बिल्डरों को फायदा पहुंचाया गया, उस पर जरा प्रवक्ता साहब बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। किस तरह का ढोंग करने चले हैं, किसान की लड़ाई, एसवाईएल का पानी, ये लड़ाई आज इंडियन नेशनल लोकदल लड़ रहा है, और जिस तरह से महंगाई की मार से आज आम आदमी पिस रहा है, चुनाव में मतदाता इसका रिजल्ट जरूर देगा, ये मान के चलिए। जिस तरह से 3206 टीचरों के साथ INLD की सरकार ने जिस तरह से हरियाणा के अंदर लूट जो INLD करती थी, उसको लोगों ने देखा है और उसको उसी की तर्ज पे इनके नेता आज जेल के अंदर बैठे हैं। आज ये मुझे बताएंगे कि आपके नेता 3206 टीचर जो जिनका भविष्य खराब किया और 3206 टीचर जिनको इन्होंने झूठी लिस्ट पे चेंज करके बदल के लगाया गया,
उसका प्रदेश के अंदर क्या प्रभाव पड़ रहा है और किस तरीके से हालात जो है, इन्होंने ग्रीन ब्रिगेड क्या काम करती थी और किस तरह हरियाणा के अंदर INLD लूट खसूट का काम करती थी, इसके बारे में भी तो INLD को बताना चाहिए। चलिए प्रवीण अत्रे जी, आपसे एक अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं, क्या किस तरीके से देखते हैं आप इस प्रदर्शन को? जी प्रवीण जी, किस तरीके से देखते हैं आप कांग्रेस के इस प्रदर्शन को, ये जो मुंडन करवाया जा रहा है? मैंने अभी आपको बताया, आपको याद होगा जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने बिजली के बेतासा दामों में बढ़ोतरी की थी, उस वक्त मेरे कांग्रेस के मित्र एसी कमरे में बैठ के बयान जारी करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर रहे थे। जिस वक्त ट्रैक्टर को कमर्शियल वाहन में डालने का काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस वक्त मेरे कांग्रेसी मित्र एसी कमरे से बाहर नहीं निकले थे। जब किसान धान में लूट रहा था, सरसों में लूट रहा था, बाजरे में लूट रहा था, उस वक्त भी इनको एसी कमरे से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं मिली। आज हालात ये है कि प्रदेश और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों और गलत नीति के नियत के कारण परेशान है और एकजुट है इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के साथ। आने वाला चुनाव आपको एक नजीर पेश करेगा, गठबंधन की सरकार बनेगी और इस सरकार को चलता करेगी प्रदेश की जनता। INLD का कमरा खाली है। मायावती जी कर्नाटक में कांग्रेस के दल के साथ दिखाई दी थी, अगर वो कांग्रेस के दल के साथ है, मतलब UPA के साथ है, आप NDA के लोग किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार की A और B टीम किस तरीके से बात कर रही है, ये भाजपा के साथ मिले हुए लोग हैं। INLD B टीम है और भारतीय जनता पार्टी A टीम है, इसकी A और B टीम किस तरह से विरोध करती है, कांग्रेस तक कॉल करना चाहते हैं, बीजेपी की कुरीतियों के लिए खड़े नहीं करते, कर्नाटक में सिर से सिर मिलाती है। आप तो उनको मैसेज देंगे, आप इंडियन नेशनल लोकदल और मायावती का समझौता है तो A और B टीम कौन सी हुई? ये कांग्रेस और इनेलो दोनों आपस में मिले हुए हैं, इनका मिलाप थाने के लिए है। सोनिया गांधी के साथ मिलकर कर्नाटक में दिखा दिया है, ये दोनों केवल एक नाटक कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आज हरियाणा की जनता के तौर पे है और ये पार्टी के शासन से खुश है और हरियाणा में जिस तरह से विकास हो रहे हैं उस विकास पर अपनी मोहर लगा रही है, काम करती है ये भारतीय जनता पार्टी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इनेलो प्रवक्ता, हमारे साथ प्रवीण अत्रे फोन लाइन पर जुड़े थे। केवल जिंगरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता संजू शर्मा हमारे पास फोनलाइन पर जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया सबका जुड़ने के लिए। तो लगातार जो प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, मोदी सरकार के 4 साल आज पूरे हो रहे हैं, इसी को लेकर मुंडन भी कांग्रेस के कार्यकर्ता आज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।